Namaskar and you are watching ClevTrap. We are back again. There was a question constantly bothering me. Persistently hovering on my head about the costing. I've got two friends. One of them has got 5 seater car. It costed him approximately 40 lakh rupees. There is another friend of mine. He owns a car again a 5 seater. Costed him approximately 10 lakhs. I have a car that costed me 18 lakhs. All of them, they are cars. They are 5 seaters still they costed differently to different people well i got the answer i'm sure you will get the answer in this video why there is a price variation in the market when it comes to all kind of uh, commodities that includes furniture as well so we are at sofa factory today sofa factory is more than 40 years old company making all kind of cars oops automobile industry is not our 40 but making all kind of furniture units that includes small type mid segment and upper segment as well so you can decide whatever you want to but we need to understand why there is a price variation bahut badhiya welcome back to clapcraft thank you so much okay, मुझे काफ़ी सारे क्लैपर family members बोल रहे हैं कि आप बहुत limited लोगों के साथ काम करते हैं yes, हम limited लोगों के साथ काम करते हैं क्योंकि वो quality tested होते हैं जी और जो

स्टेप नंबर हाँ ताकि वो तो कहीं से फटनी है तो फट जाए ना आए ताकि दोबारा ठीक है फिर थर्ड स्टेप पे हम उसके अंदर कार्विंग के लिए लकड़ी देते हैं ताकि लगड़ी वो लकड़ी को कार्विंग करके अल अलग अलग पीसेस को कर, कर सके तो वर्कमैनशिप वर्कमैनशिप हो हो गया हो गया, हो गया। टीप कार्विंग करनी का, कैसी कार्विंग करनी अलग अलग पीस पैर अलग पीस दिए कार्विंग के लिए सर अलग दिया जाएगा हेड हाथ अलग दिएगा सारे अलग पीस कार्विंग के होंगे जी फिर फोर्थ जो होगा उसका फिक्सिंग का अलग पार्ट आएगा पहले कार्विंग होगी फिर फिक्सिंग होगी ठीक है फोर्थ स्टेप में जाके फिक्सिंग होगी अच्छा वो जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है हाँ जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फिर उसको रख के रखा जाएगा उसके अंदर फेविकोल के अलावा जो फेविक्यूक होती है क्योंकि होती है इस तरीके का जो भी ऐसे भी होते हैं सारे यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर मजबूती से पकड़ सके इसको फिर उसके बाद जाके जब फ्रेमिंग हो गया हमारा फ्रेम रेडी हो गया फिर उसको अपना पॉलिश सेक्शन भेजते हैं जी पॉलिश सेक्शन के अंदर भी हमारे कम से कम आठ प्रोसीजर हैं पहले पहले जैसे कि सैंडवुड से उसको फिलिंग जैसा प्रोसेस जो होता है वो, अच्छा, पहले हाँ, पहले उसको रगड़ाई की जाएगी उसके अंदर लकड़ी अच्छा, प्लेन किया जाएगा फिर उसके अंदर कहीं से भरी जाएगी उसके अंदर कहीं मोरी या कहीं किल निशान है तो सब रगड़ाई किया जाएगा किसी तरह का होल्स या क्रैक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर सेकंड फ्लोर उसके अंदर सीलर भरा जाएगा जो ताकि जो उसके अंदर जो है लकड़ी की पूरा उसके बाद उसके अंदर

मिनिमम बत्तीस चालीस की लगानी चाहिए उसके ऊपर होती है तो पर वो हार्ड ज्यादा आ जाती है तो की तो सॉफ्टनेस भी आएगी और डेंसिटी पूरी जाएगी क्वालिटी खराब नहीं होगी सर चलिए तो ये कॉस्ट का वेरिएशन होता है मतलब हंड्रेड से अगर इसके स्केल पे देखें हंड्रेड कैन गो अपू वन थाउजेंड राइट राइट बिल्कुल इतना वेरिएशन लास्ट बट नॉट द लीट फैब्रिक ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल सीन फेब्रिक डेढ़ सौ रुपए मीटर से लेके हमने सत्तर हजार रुपए मीटर तक के फैब्रिक देखे जो कि आपके डिजाइन पे डिपेंड करेंगे ब्रांड पे डिपेंड करेंगे ऑफ कोर्स उनके मार्टिनल और के पे भी डिपेंड करेंगे जैसे पर मीटर राइट चलिए पूरा आपने फैक्ट्री टू करा दिया हमको एंड आई एम श्योर जिनको फर्नीचर बनाने में इंटरेस्ट नहीं भी था अब हो जाएगा जी जी चलिए तो कुछ सोफाज चार यूनिट दिखाएंगे क्विकली हम दिखाएंगे जी बाई वन Right? चलिए right. तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं मेरा फेवरेट है यहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है और जी. बेसिक आपने ऑलरेडी बता दिया हमको वो फैब्रिक स्ट्रक्चर सब कुछ हमको पता है जी 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 अब हम डिजाइन दिखाएंगे और क्विकली कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक जो है वो आप हमें बता दें प्लीज क्या क्या, क्या है बिल्कुल सर जितने सोफे हमारे अभी तक अपन देखे हुए ना उसके सब हमने पहले फ्रेम बनाई पॉलिश करा फिर फैब्रिक लिया है लेकिन ये सोफा अकेला इसमें पहले मैंने फैब्रिक लिया है उसके बाद इसके अंदर मैंने पॉलिश कराई है अच्छा तो रीजन क्या था हमने सॉरी जो फैब्रिक को हमने पॉलिश में मैच करना था तो हमने सेम जो फैब्रिक था उससे मैचिंग का अंदर हमने पॉलिश ही करी है भाई कार्विंग सब सारी नीट एंड क्लीन है कोई ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा आपको जी ठीक है बिल्कुल सब कुछ अच्छी फिनिशिंग चाहे कार्विंग को लेकर चाहे पॉलिश को लेकर चाहे

चलिए हर फर्नीचर यूनिट विशाल जी के पास जाएंगे दोबारा से हर फर्नीचर यूनिट की अपनी एक ना एनाटॉमी होती है जी जी मतलब उसकी अपनी एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जी जैसे इंसान की बॉडी में होता है जी फेस शोल्डर्स

तो सब के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आज मार्केट में अवेलेबल है शेम्पिन गोल्ड से लेके गोल्ड तक आप देखेंगे ना सीट किस तरीके से उसके अंदर थ्री सीटर देखिए किस, किस तरीके से बाहर आई हुई है फ्रेमिंग अंदर है सीट बाहर तक है उससे लुक बड़ी अच्छी आती है और

लेकिन इसमें कलर स्कीम भी मॉडर्न है तो कलर स्कीम हमने इसमें कर रखी है फैब्रिक को लेके चाहे चाहे पॉलिश को लेके बिल्कुल लाइट कलर है अब अच्छा। देखेंगे कहीं पे भी बहुत ज्यादा हमने इसको हैवीनेस नहीं दिखा रखा बहुत सिंपल कार्विंग और बहुत स्लिक और कंफर्टेबल और सूदिंग कलर लगा रखे हैं इसके अंदर क्योंकि हैवी सोफा है कार्विंग अंदर हैवी है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कलर स्कीम हो पॉलिश का हो चाहे फैब्रिक का हो बहुत सूदिंग होना चाहिए ठीक बात है तो ये इसमें एक चेंज है उससे इसमें डिजाइन का तो ऑफकोर्स है इसका क्राउन लंबा है लॉन्गिट्यूड में ज्यादा है जी तो इसके लिए थोड़ा आपको स्पेस ज्यादा चाहिए है ना? और जी, दूसरी बात यह दो तरह के है, राइट, सर, राइट ना? के साथ में भी है सर, थोड़ा शाइन है डन हाँ, अच्छा, विशाल जी कभी ऐसा हो सकता है कि जो वाइट स्वेड हम यूज कर रहे हैं चेस्टरफील्ड की जगह पे अगर ये लो क्वालिटी का है तो उसका जो अंदर का मटेरियल है

स्टडी में ये बात निकली है कि काफी सारे कॉम्पोजिट ऑनिक्स या फिर का इस्तेमाल मॉडर्न कॉन्टेम्प्री होम्स में हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। बट इट इज बिलीव दैट ऑनिक्स वॉज मेड ओनली फॉर क्लासिक्लासिक्स क्योंकि वो रॉयल है, है वो मोन्यूमेंट्स हैं वो किंगशिप है वो रिजीम है, है उसको रिफ्लेक्ट करता है ऑप्शन right. तो we'll है हमारे पास पीछे भी अगर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी <laughs> जी जी वो हो ओके तो okay, काफी सारे लोग हैं जो पीछे से देखिए आप वो नया यूनिट देख रहे हैं काफी सारे लोग पीछे भी कार्विंग चाहते हैं right, so भी हमारे पास तो सर कॉस्ट का क्या फर्क आ जाता है डबल हो जाता है नहीं नहीं डबल नहीं होगा डन एंड हाँ सर बिल्कुल ठीक है

इसका जो क्राउन है जी मुझे लगता है वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्राउन और ईयर्स इसके जो कान है जो हाथ है आर्म्स और बोलते हैं इसको तो बहुत डिफरेंट है इसके चाहे आप थ्री देखे टू सिंगल सिंगल देखिए बड़ा सुंदर निकल के आया तीन, तीनों चीज है इसकी। बहुत अच्छा है वेरी नाइस nice. ये हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था काफी लोगों को पसंद भी, भी जी। आया जी ओके तो प्राइस को लेके भी पिछले वीडियो में काफी चर्चा हुई है जी, ना? जी जी। अभी हमने काफी कोशिश की बताने की कि, कि किस तरह से क्वालिटी मैटर करती जी है जी जी। तो आपको येलो में गोल्ड भी मिल जाता है कॉपर में और आपको बाकी मेटल भी मिल जी जाते जी हैं उन चीजें देखनी होती है सर, जी जी। इसका सिंगल सीट है वो भी दिखा देते हैं एक बार बिल्कुल चलिए इसका सेम सेम स्विंग है सर अच्छा ये भी किसी पार्टी का सेम इसी पार्टी ने लिया ओके चलिए ठीक है डन कलर पॉलिश आपके पास अभी थोड़े कम देखने को मिलते हैं क्यों ऐसा पॉलिश इतने सारे तो था हो गए और कितने सारे मिलेंगे कलर के मतलब नहीं मतलब मेरे कहने का ये है कि एक सेक्शन है जी बड़े <laughs> अच्छा जी, तो बोला आपने बट ठीक है हम तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कॉलेज में, में कलर इसके अंदर अभी पूरे अंदर कम से कम ट्वेंटी कलर्स हैं इसके अंदर हम्म सो फो तो अलग अलग गोल्ड के अंदर भी दस गोल्ड है वो देखते हैं जब भी विशाल जी के शोरूम में आते हैं एक ना एक प्रोग्रेस हमेशा देखने को मिलती है अभी काफी हद तक शोरूम रेडी होने को तैयार है कुछ बेसिक वर्क है वो बाकी है विशाल जी वेटिंग फॉर असले हम उनके पास जाएंगे

वीडियो ऑलरेडी हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स ने देख लिया कि ये किसने खरीदा है जी, जी, उनका भी पूरा वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आई वुड से दैट वेरी वेल रिवर्व एंड रिस्पेक्टेड इन द स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ओके हैदराबाद हैज क्रिएटेड इन ओके So, गौरव गौरव की बात है हम सब हिंदुस्तानियों के, हाँ तो तो के बारे में सबको पता है जी इसमें क्या डिफिकल्टीज थी वो बता दें हमें डिफिकल्टी जॉइंट फ्री बनाने में इसको अच्छा और कॉर्नर मिलाने में हुँ. सब क्योंकि फुल कवर्ड में तो कार्विंग के अंदर कॉर्नर मिलाना बहुत जॉब है जी आप नीचे से ज्वाइंटे ऊपर से जॉइंट देखेंगे कार्विंग के बिल्कुल मिले हुए हैं जॉब है कॉर्नर मिलाना कहाँ पे है <laughs> देख लें ये देखिए जो ये ये, के होते ये और ये और नीचे दोनों अच्छा ये चीज फिक्स करना आप जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर बंदे की पास की बात नहीं है था था। इसके लिए बहुत अच्छा चाहिए ये है एक एक एल सोफा जो मिडिल सीट है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेस्ट होती है लेकिन चलिए ठीक बात है एल कॉर्नर के क्राउन्स हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं सर डिपेंड ऑन द साइजेस इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं लेंथ लेंथ में में चाहे इसको इधर दस फुट बढ़ाए चाहे दस फुट इधर बढ़ा लें कोई परेशानी नहीं है

फॉर्मूला बना बना के लग रहा है नहीं लग रहा है फिर द्वारा, फिर दोबारा दोबारा एक सौ बनने में पहला फिर पहला बना तक, करा। ये पीस तक चलिए और राइट इसमें जो हमने फैब्रिक यूज किया है वो है जका और ये है सामने स्वेट चेस्टरफील्ड का इसके अंदर काम है जी वही है लेग्स क्यों नहीं विशाल जी इतना लंबा लेंथ में लेकिन लेग्स नहीं दिख रहे सर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी

जो लोग हैप्पी कस्टमर्स हैं दे आर मोस्टली साइलेंट उनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार आप कमेंट में करके बताएंगे क्योंकि आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैं पर्सनली जानता हूं सारे लोगों को हमारे से ज्यादा लोग सब लोग खुश हैं भाई कई लोगों को भगवान खुश नहीं कर सकता जो हमेशा परेशान रहते हैं उनको लिए सॉरी है ठीक हाँ. है ना बाकी सब लोग हमसे खुश हैं अच्छी बात नहीं है मतलब मोर देन कितने सारे आपके अभी पहले जो क्लाइंट आया हुआ था जी उनको भी किसी क्लाइंट ने भेजा था अच्छा चेन कस्टमर से हमारे पास बिल्कुल ठीक बात है और आप लोगों से दोनों साइड से रिक्वेस्ट होती है क्लैप्टर फैमिली से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन योर एक्सपीरियंस शेयर गुड कमेंट्स एज वेल जी एंड नेगेटिव तो बहुत लोग चिल्लाते हैं जी जी तो गुड कमेंट्स भी है वो भी आप करिए अगर आप खुश नहीं है किसी चीज़ आप की आपका नाराजगी है वो भी आपको सॉल्व करिए ठीक है आपसे यही उम्मीद होती है कि क्वालिटी एज पर द प्राइज जो है वो सर्व हो बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी हो आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो राइट सर राइट सर ओके थैंक यू वेरी मच वेलकम सर